एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ एक रक्षाबंधन मेकअप ट्यूटोरियल। तो फेस्टिवल्स जो है पास में है, तो आप इसको बहुत अलग अलग फेस्टिवल में भी, अभी दिवाली भी आने वाली है, मतलब हाँ 2-3 महीना भी है, बट फिर भी स्टिल आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। रक्षाबंधन के लिए बहुत अच्छा है, बैक टू बैक फेस्टिवल्स है, तो ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इजी सा बताने वाली। वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स जंप इनटू द स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग, दिस स्नेल म्यूसिन। आप लोगों ने तो ये हर जगह पे देखा होगा, काफी वायरल प्रोडक्ट है कि आपको इससे स्किन कोरियन जैसा मिलेगा, बट दिस इज ऑल मिथ। ऐसा एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखने को मिलता है। प्रोडक्ट इज ट्रिजेना का जो हाइड्रो बूस्ट है मॉइस्चराइजर, ये लगा रही हूँ मैं, खत्म ही होने पर आ गया है, बहुत हल्का सा लगाऊंगी। ये स्किन ना काफी सही है, बट ना मुझे थोड़ा मलाजमा का प्रॉब्लम हो रहा है एंड दिस वन स्पॉट जो काफी बड़ा दिखता है मेरे चेहरे पे, तो वो दोनों चीजें अगर मेरे चेहरे पे नहीं होती तो काफी अच्छा मैं अपने स्किन को और कर सकती थी। यूजिंग स्ट्रोब क्रीम, ये मैक का स्ट्रोब क्रीम है, लेकिन आप स्विस ब्यूटी का भी ट्राई कर सकते हो, इल्यूमिनेटिंग क्रीम करके आता है और वो मैंने यूज करी हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा है वो प्रोडक्ट, बट वो मैंने अपनी मम्मा को दे दिया क्योंकि उनको भी मतलब ऐसा कुछ चाहिए था, तो मैंने सोचा उनको दे देती हूँ ये। और मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि मैक का स्ट्रोब क्रीम था, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आई मेकअप के साथ, और बहुत ज्यादा मिनिमल आई मेकअप मैं रखने वाली हूँ। कंसीलर लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि 2-3 शेड में ही कंप्लीट हो जाएगा। और हमें यहाँ पे कोई भी आई लैशेज नहीं लगा रहे हैं, मैंने लेंस वेयर किया, अगर आप लेंस वेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत हल्के हाथ से डैम्प ब्लेंडर मैंने यूज किया, बिकॉज मेरे ब्रशेज ना अभी जो फेस ब्रशेज है थोड़े गंदे, और अगर आपको दूर लगे तो आप इसको जूम करके देख सकते हो वीडियो को, जिससे कि आपको क्लोजअप्स मिल जाएंगे और मेरे चेहरे की असलियत भी। यूज किया है लॉरियल का इनफॉलेबल, काफी अच्छा इसका कवरेज है। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52 का जेल आईब्रो, वैसे आपके पास जो भी हो या पेंसिल हो तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप आईब्रोज करो और कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, तो सबसे पहले आप आउटर में फिल करो, ताकि जो एकदम ब्लैक या कुछ भी तो वो सामने स्टक ना हो जाए, पीछे पहले आप फिलअप कर लो, जो फिर बचा हुआ प्रोडक्ट है उससे सामने से आप उसको लाइन बना के ब्रश के साथ इस तरीके से अप में कर दो। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कैरेमल ब्राउन हुडा ब्यूटी का, ये छोटा सा पैलेट है, बहुत क्यूट और बहुत प्यारा लगता है मुझे। इसमें कुछ इस तरीके के शेड्स दिए गए हैं, 9 शेड दिए। आप इसकी जगह पे स्विस ब्यूटी भी यूज कर सकते हो, और के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी काफी पिगमेंटेड है आई शेडोज, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड आई एम यूजिंग द लाइटेस्ट शेड, और मैंने ना बहुत ज्यादा हल्का सा कंसीलर लगा के ब्लेंड आउट कर लिया था, कोई पाउडर से सेटिंग नहीं किया, देखो कितना अच्छे से, मतलब बहुत कम था इसलिए कोई क्रीज नहीं पड़ेगा, और इतना ज्यादा भी नहीं मेकअप कर लेना कि भाई डर जा पैसे देने से इनकार कर दे तुम्हें। आउटर कॉर्नर में आपको चलाना है और बहुत हल्के हाथों से ब्रश चलाना है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, प्रोडक्ट ऐसे हो जाता है, इकट्ठा जम जाता है और बहुत लाइन वाला मेकअप दिखता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपने बहुत हल्के हाथों को चलाओ, और प्रैक्टिस तो जरूरी है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से अगर आप इसको चलाओगे तो ये हर जगह में ब्लेंड होगा और आपका एक लाइनिंग जैसी चीज नहीं छूटेगी, जिससे आपका मेकअप बहुत ऑड लगता है मुझे ऐसे वाला। तो हैव दिस शेड, इसमें थोड़ा सा ना शिमरी पार्टिकल्स और मैट पार्टिकल्स दोनों, ये कुत्ते का भौंकना आज बंद नहीं हो रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली प्लेस कर रही हूँ अपनी सेंटर, देखो मैंने बोला था ना टेल जाती हूँ, सेंटर पे मैं इसको प्लेस कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। बहुत स्लाइटली सा। Now I am taking the another shade, ये darker one, okay? Dust off is must. दूसरा ये कारण है कि लोग dust off नहीं करते, direct eyes पे लगा ले तो उससे भी creases पड़ने के chances होते हैं, तो बहुत slightly हाथों से ऐसे आपको dab dab करना है inner side पे, ठीक है inner। फिर मैंने just brush को ना घुमाया है, ठीक है, जिधर side में product नहीं था, एक बचा वाला जो product है उसको
है। नाउ आई एम यूजिंग दिस बॉबी ब्राउन का काजल पेंसिल। देखो उसी को मैंने अंडर ला लिया इनर में, है ना। ये हो चुका है इतना हमारा प्रोसेस। अब आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्रश, इसमें कुछ भी शेडो नहीं है, एंड जस्ट थोड़ा सा मर्ज आउट कर रही हूँ। आई एम यूजिंग द मस्कारा ऑफ मेबलिन स्काई। अपनी आंखों को खोलो, नीचे देखो, एंड मस्कारा इस तरीके से लगाओ तो ऊपर नहीं चिपकेगा, और जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो ताकि सूखे ना, और मतलब क्लम्सी हो जाता है ना अगर पहले वाला वो सूख गया तो भी। ऐसे मुंह बनाना पड़ता है मतलब मस्कारा लगाने के लिए, ये वो नेसेसरी है मतलब। ओके विद दिस, मैं भी इसमें थोड़ा व्हाइट काजल एड ऑन करने वाली हूँ, लोअर मस्कारा हम करेंगे। अब लेट्स मूव टू द बेस। अब फटाफट से अपन बेस करते हैं। ओके सो नाउ आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी का कंसीलर, वन ऑफ माई फेवरेट। काफी कुछ नहीं इसका जो लगाने वाला दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है, एंड इसका कवरेज भी काफी अच्छा है, तो मुझे काफी सही लगता है ये प्रोडक्ट। और ये थोड़ा सा शेड जो है हल्का सा बिल्कुल ऐसा मेरे मैच का है, तो बिल्कुल भी कुछ वाइटनेस नहीं आता है मेरे फेस पे, कुछ भी एशी नहीं लगता है, तो ये परफेक्ट कंसीलर है मेरे लिए। ब्लेंडर भी काफी अच्छा है पीएसी का। वैसे तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस बेस एज वेल, बट मैं इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड कर लेती हूँ ताकि जो स्पॉट वगैरह है वो और भी विजिबल ना हो। तो आई एम यूजिंग जस्ट वन पम्प एंड दिस इज इट, जस्ट अप्लाई लाइक दिस। ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे मेरा स्पॉट है। तो ये मैंने यूज किया है मेबेलिन का सुपर स्टे 30 आवर ल्यूमी मैट फाउंडेशन, और मैं मेरा शेड इसमें है 220। काफी अच्छा मुझे इसका कवरेज लगता है, बहुत लॉन्ग टाइम स्टे भी करता है, तो दिस इज परफेक्ट फॉर मी। थोड़ा सा नेक पे भी कर लेते हैं, वैसे घर से बाहर कहीं जाना होगा नहीं, राखी वाले दिन पे भी नहीं देती हूँ भाई। ये रहो कि तुम्हारे भाई तुम्हें चढ़ाने लगेगी, तुम मुंह से इतनी गोरी लग रही हो और तुम्हारा गला इतना काला क्यों लग रहा है। और कोई भी हाइलाइटिंग कंसीलर वगैरह मैं इस पे यूज नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बेस एकदम सटल पसंद है और मेरी स्किन टोन का पसंद है, तो आई एम नॉट यूजिंग बहुत सारा प्रोडक्ट। अभी भी आपने देखा काफी कम प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन सही है, सच में सही है, बस मलाजमा का प्रॉब्लम है। तो कुछ भी ना ऐसे मुझे हाइट बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है, बहुत कलर करेक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, तो इतना मिनिमल आपको बेस करना है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग फॉर ब्लश, मैं लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ मेबेलिन की। लिक्विड ब्लशेस भी है बट आई लव दिस प्रोडक्ट, और इसका शेड है पीची 15। तो ये ना इतना सही भाई ग्लो वाला इफेक्ट देता है ना, कि ऐसा लगता है कि आपके पास एक डूइंग लिक्विड ब्लश है अलग से, इसलिए। थोड़ा सा लेफ्ट ओवर जो था मैं यहाँ यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद पाउडर ब्रश ब्लश भी थोड़ा सा लगाने का मन है। वैसे इसको यहाँ पे भी अपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी डुए लुक ये आपको दे रहा है, और डायरेक्ट स्प्रे करके सेट हो सकता है मेकअप। ओके नेक्स्ट आई एम यूजिंग मैकअप स्टूडियो फिक्स है। तो सबसे पहले ना ये जो पहले आपने प्रोडक्ट लगाया है इसको आपकी क्रीजेस जो है ब्लेंड कर लो, फिर आपको जो है दूसरा प्रोडक्ट पाउडर प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि एक बार अगर आपने पाउडर प्रोडक्ट लगा दिया तो वो जो होता है फिक्स हो जाता है। तो बहुत स्लाइटली सा मैं लगा रही हूँ। हम लगा रहे हैं पाउडर ब्लश, ये पैलेट है मेरे पास फॉरएवर 52 की, इसमें काफी सारे 8 शेड अवेलेबल है, तो आप इसको मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हो। मैं भी मिक्स एंड मैच करने वाली हूँ
इन दो तीन शेडो को, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ बहुत स्लाइटली। डन विद द ब्लश। अगर आपको कॉन्टोरिंग करना आप कर सकते हो, अगर हैवी लिफ्टेड फेस चाहिए, अदरवाइज आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हो। आई एम यूजिंग द बहामा मामा ब्रॉन्जर, मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये ब्रॉन्जर और इसको मैं जस्ट यूज करने वाली हूँ लाइक फॉरहेड के पास में, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे हमारा जो फाउंडेशन होता है यहाँ पे थोड़ा लग जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ना वाइट नहीं लगना चाहिए, तो आप थोड़ा सा ऐसे ब्रॉन्जर कॉर्नर पे कर सकते हो। नहीं और वो शार्प दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर सकते हो। वैसे मेरा काफी ठीक है, मतलब बहुत शार्प नहीं बोल सकते हो, बट मेरी जॉ लाइन काफी सही है, डबल चिन नहीं दिखता है सच तो। ओके सो डन विद द बेस ऑलमोस्ट। अगर हाइलाइटर एड ऑन करना है तो आप कर सकते हो, मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है। हाइलाइटर इज लव बिकॉज आपका बहुत ग्लोई लगता है फेस। आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी का हाइलाइटर, यूर सच अ गुड प्रोडक्ट्स। आई शेडो पैलेट्स बहुत अच्छी है, हाइलाइटर काफ़ी अच्छे हैं, कंसीलर काफ़ी अच्छे हैं, इवन दो जो इसका पाउडर है वो हुडा ब्यूटी का लाइक ड्यूब बोल सकते हो। लास्ट स्टेप सेट करने का, मेकअप को करना पड़ता है यार सेट तो, ठीक है। बाय द वे दिस इज द फॉरएवर 52 मेकअप फिक्सर स्प्रे का, जो आईज का हमारा रह गया था हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। आई एम यूजिंग दिस व्हाइट काजल पेंसिल, कौन से ब्रांड की आई डोंट नो, काफी पुरानी है मेरे पास, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको रख रखा है और ये खत्म भी नहीं होती, तो मैंने सोचा क्यों ही फेंकना है। इसको लोअर लैशेस को कंप्लीट कर लेते हैं विद द मस्कारा, विद द लोअर लैशेस एज वेल। आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, मेड है इंटरव्यू, तो इसको आउटर पे लगाने के बाद एक और शेड एड करूंगी मैं। थोड़ा मॉविश काइंड ऑफ कलर है बट मेरे को ऐसे वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक और लिपस्टिक विच इज ऑल्सो फ्रॉम हुडा ब्यूटी, इसका शेड है बॉम्बशेल। सो हियर वी आर डन विद द मेकअप, और ये छोटे छोटे हुक्स मैंने डाले हुए थे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। वन मोर थिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि लगाना चाहिए विच इज बिंदी, क्योंकि बिंदी के बिना कोई भी फेस्टिवल लुक या कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है, तो लेट मी टेक माई बिंदी। और ओके सो मैंने बिंदी लगा ली है मरून कलर की, बिकॉज आउटफिट काफी लाइट है, ज्वेलरी काफी लाइट है, तो मैंने सोचा कि बिंदी थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, और थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई हूँ, तो इस तरीके का मेरा कुछ फाइनल लुक है। तो या गाइस, और अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए मेकअप ट्यूटोरियल के अपकमिंग फेस्टिवल के लिए, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और कोई भी डाउट होगा तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू गाइस।